आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ऊबर की 6.5 घंटे की कमाई दिखाने वाला हूँ। आज मैंने ऊबर के साथ ऊबर बाइक टैक्सी में 6 घंटे 6.5 घंटे काम किया है और 6.5 घंटे में मैंने कितनी अर्निंग करी है ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज जाम बिल्कुल नहीं था रोडों पे, आज छुट्टी थी, दशहरा है। दशहरा दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि दशहरे की जब बात होती है तो हमारी आंखों के सामने श्री राम और रावण आते हैं। श्री राम और रावण ने अपने सर पर ताज पहना हुआ था, मुकुट पहना हुआ था। आज वही मुकुट हेलमेट के रूप में हम लोग पहनते हैं और हम लोग राम है या रावण ये तो हमारे खुद पर निर्भर करता है, पर यहाँ पर आज बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो इस जीत को हम अपने जीवन में एक अच्छे बदलाव के रूप में अपनी सारी बुराइयों को मारकर अच्छाइयां अपने अंदर लाएंगे। और आज दशहरे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने ओला और उबर दोनों ड्यूटियां ऑन की थी। ओला और उबर दोनों ड्यूटियां ऑन करने के बावजूद भी मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ उबर से ड्यूटियां आई हैं। उबर की मैंने आज 9 राइड मारी है, 9 राइड, यानी कि मैंने 10:30 11:30 बजे ड्यूटी ऑन करी थी। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब आज मुझे पहली राइड मेरे घर से मिली थी नोएडा की, नोएडा के रोड मस्त रोड है नोएडा के, और नोएडा में हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, और वो लोग छोटी छोटी राइडें उनकी होती है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो ऐसे कर करके मैंने आज 9 राइडें कंप्लीट करी हैं और मैंने आज 270 रुपये का जो मेरा इंसेंटिव था उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। 270 रुपये इंसेंटिव मैंने कमाए हैं, प्लस 30 रुपये का जो इंसेंटिव था वो शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में 3 ड्यूटियां मार दी, यानी कि 270 प्लस 30, 300 रुपये तो सिर्फ मैंने आज इंसेंटिव के कमाए हैं। इस हिसाब से आज मैं अगर आपको अपनी अर्निंग बताऊं तो मेरी अर्निंग लगभग 850 870 रुपए की अर्निंग है। मैं अभी आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा और आपको वहां पर मैं अपनी आज की सारी अर्निंग दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से कितने ऑर्डर मारे हैं, कितने घंटे में ऑनलाइन रहा हूँ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप सिर्फ उबर की अर्निंग को लेकर एक वीडियो बनाओ, मैं उबर की अर्निंग को देखना चाहता हूँ। तो आज इस्तेफाक ऐसा था कि मेरे को एक भी ओला की ड्यूटी नहीं मिली, हालांकि मैंने ओला को भी ऑन किया था, उबर को भी ऑन किया था। रैपिडो को मैं ऑन नहीं करता, रैपिडो से मुझे न जाने क्यों चिड़ हो गई, रैपिडो मुझे अच्छा नहीं लगता। रैपिडो ऑन करता हूँ ना तो करने के तुरंत बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं अंदर मुझे गांव गली में घुसा देगा, ऑन करके भी मैं उसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि लोकल लोग आते हैं। चलो मैं यहाँ रैपिडो की बात नहीं कर रहा, अब हम यहाँ से चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां जाके हम आज हमारी जो है सारी कमाइयां देखेंगे। यार एक बात और बताऊंगा कि आप ये लगा लो कि मैंने 10:30 बजे हेलमेट पहना था, 10:15 10:30 बजे हेलमेट पहना था और मेरा हेलमेट जाकर 7:30 8 बजे उतरा है। तो ये जो हेलमेट है इसको सर पर लगा लगा के खोपड़ी ठंड हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि तनिक कौन सा नशा कर रखा है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि जैसे राम और रावण मुकुट पहनते थे और अब वही मुकुट हेलमेट के रूप में हम लोगों के बीच में आ गए। रोड पर चलते हो हेलमेट जरूर पहनो, हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से, कानून के डर से नहीं, इसको अपनी सुरक्षा के लिहाज से पहनो, इसको पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां जाकर के देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहां जाकर आज के मरने देख लेते। तो फ्रेंड्स यहाँ हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, अपने मोबाइल के थोपड़े पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप, मैं बोर्जो, जोमेटो, रैपिडो और ओला और उबर, मतलब कि इन पांचों कंपनी के साथ काम करता हूँ। आज मैं आपको अपने उबर की कमाई दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो हम यहाँ से अपने उबर की ऐप में जा रहे हैं और ये तीर जो है सीधा फक से घुसने वाला है, ये घुस गया। पहले आपको प्रमोशन में लेके जाऊँगा और प्रमोशन में आप देखिए मैंने जो है प्रमोशन में आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जो मैंने 15 ट्रिप का तोड़ा था 110 वाला, उसके बाद आज जो मैंने तोड़ा है वो 270 रुपये वाला तोड़ा है 30 ट्रिप का, यानी कि मेरी जो ट्रिप है वो 30 प्लस हो गई है इस वीक में। ठीक है, ये वीक जो हमारा बनता है वो 11 अक्टूबर से बना है और 18 अक्टूबर तक का वीक है। अभी आज तारीख हो गई है 15, 3 दिन बचे हुए हैं, इन 3 दिनों में मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं ये 650 610 रुपये वाला भी तोड़ दूँ। ठीक है, और 610 वाला भी मुझे तोड़ना है। अभी इस वक्त मेरी जो रनिंग है वो 610 वाले को तोड़ने की है। तो कहने मतलब है यार बाइक का जो खर्चा है वो मैं कोशिश करता हूँ इंसेंटिव से ही कवर कर लूँ। अब मैं अपने अर्निंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर अर्निंग में जाऊँगा और मैंने अभी इस वीक में 2481 रुपये का काम किया है, मैंने 32 ट्रिप मारी हैं अभी तक। ठीक है, और मैं अगर आपको अपनी अर्निंग डिटेल में लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे मेरी आज की
कौन कौन सी राइड है, कैसी राइड है, ये आज मेरा 15 तारीख का मैं लेके आ रहा हूँ। 15 तारीख की जो मेरी अर्निंग की डिटेल है वो ये 889 रुपये की कमाई की है मैंने। 11 ट्रिप मारी है, मैं तो 9 बोल रहा था आपको, बल्कि मैंने ट्रिप मारी 11 आज सी एक्टिविटी। तो 30 वाला जो है ये तोड़ा मैंने, उससे पहले जो मारी थी वो 3162 रुपये की, ठीक है। 121 रुपये की एक राइड मिली थी, 160 रुपये जो अर्निंग है 15 ट्रिप वाली, ये वाली है देखिए आप। उससे पहले 168 रुपये की ट्रिप मारी थी, 41 रुपये की ट्रिप मारी है, 76 रुपये की ट्रिप मारी है, 22 रुपये की ट्रिप मारी है, 34 रुपये की है, 37 रुपये की, 15 रुपये की, 33 रुपये की, 115 रुपये की। यानी कि आज की जो ट्रिप है मेरी वो 115 रुपये से स्टार्ट है। ये सबसे पहली ट्रिप है मेरी, ये वाली ट्रिप जो है मैंने अपने घर के पास से उठाई थी, सबकी रसोई ब्लॉक ए विश्वकर्मा कॉलोनी, तो यहाँ से उठाई थी सेक्टर 76 की। 115 रुपये की राइड थी है, जो 19 किलोमीटर की राइड थी है, जिसमें कैश कलेक्ट हुआ 77 रुपये, जबकि फेयर बना था 121 रुपये, जिसमें से उबर ने 37 रुपये मुझे अपने पास से दिए हैं, और इस हिसाब से मेरी जो अर्निंग बनी इस ट्रिप की वो 115 रुपये बनी है। तो 77 रुपये जो इसमें कैश कलेक्ट हुए हैं, तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो 77 रुपये की राइड ही थी क्या सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या करता है, उबर हो गया, ओला हो गया, ये लोग अपने पास से मतलब कि कस्टमर को अपने पास से मतलब कि ऑफर देते हैं, सस्ता सस्ती राइड प्रोवाइड करते हैं, पर ओला और उबर वाले राइडर को पैसे पूरे देते हैं। यहाँ पर ट्रिप बैलेंस 37 रुपये है, तो ये मुझे अपने पास से दिया इन्होंने, इस हिसाब से मेरी 115 रुपये की अर्निंग हुई है। फेयर 121 रुपये बना था और कस्टमर से सिर्फ हमने कैश कलेक्ट किया था 77 रुपये। तो कई बार हम लोग सोचते हैं 77 रुपये की राइड है, 19 किलोमीटर चला के आए बाइक। तो भाई ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ कि अर्निंग हमारी अलग होती है, कैश कलेक्ट हमारा अलग होता है। ये जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि कस्टमर कहता है यार मुझे यहाँ से वापस भी जाना है, तो ऐसे में वो लोग सेटिंग बना लेते हैं अपनी कि चलो ठीक है 77 रुपये बने, आप 77 दे देना मुझे और मैं आपको ले चलूँगा। तो भाई कभी भी ऐसी गलती मत करना, आप उसको बोल दो कि भाई तू राइड बुक कर दे, मेरे पास आ जाएगी तो मैं ले लूँगा, और नहीं तो फिर नहीं लूँगा। और अगर तुम्हारे को उससे लेनी भी है राइड, तो फिर आप अपने इधर देखा करो कि आपका फेयर कितना बना है। 121 रुपये फेयर बना है तो उसको बोलो 121 रुपये लगेंगे भाई, 77 रुपये नहीं लगेंगे, चलना हो तो चल ले, नहीं तो तेरी मर्जी है। तो ये जानबूझ के करते हैं ओला उबर वाले, ताकि जो राइडर लोग चालाकी चलते हैं ना, इस चालाकी का नुकसान भी उनको भुगतना पड़ता है। चालाकी मत चलो, ईमानदारी से काम करो। उबर कमा रही है, ओला कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो, ईमानदारी से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी एक अच्छा मैसेज आप लोगों के पास पहुंच गया इस वीडियो की वजह से। तो कहने मतलब ये कि आज जो मैंने ट्रिप मारी है भाई, वो मारी है 11, आज 11 ट्रिप मारी है मैंने, और इससे मेरी जो अर्निंग हुई है वो 889 रुपये की हुई है आज की जो अर्निंग है। और मेरी इसमें बाइक भी चल गई है लगभग 130-122 किलोमीटर चली है, तो यानी कि 260 रुपये का पेट्रोल, 250 रुपये का पेट्रोल भी मेरा लगा। अब इसमें से आप 250 रुपये घटा देना, 889 में से 250 घटा दोगे, बाकी मेरी ये इसमें कमाई है। अब मैं एक बार ज़रा ऊबर में ओला में जाके देखता हूँ, ओला में मैंने कोई राइड मारी है कि नहीं मारी आज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्या पता मैंने कोई राइड मारी हो। नहीं, आज कोई भी राइड नहीं मारी मैंने इसमें। हाँ ये ज़रूर है कि इंसेंटिव मेरा इसमें बन सकता है, अगर मान लो मैं इसमें थोड़ी सी और मेहनत करूँगा तो। यहाँ पर मैंने जो ओला है, ओला की मैंने अब तक 11 राइडें मार दी हैं, 11 राइड मार दी है मैंने ओला की। अगर 9 राइड और मार देता हूँ मैं, यानी कि 17 तारीख कल और परसों का दिन मेरे पास है, इन 2 दिनों में अगर मैं 9 राइड और मार दूंगा तो 200 रुपये का इंसेंटिव है मेरा ओला में। पर ओला की जो राइड है वो कम मिलती है उबर के मुकाबले, उबर के मुकाबले ओला की राइड कम है, पर यह है कि ओला अर्निंग अच्छी देता है, उबर के मुकाबले ओला कमाई अच्छी देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ओला की राइड आए, क्योंकि ओला की राइड में कमाई अच्छी होती है उबर के मुकाबले, पर उबर में काम ज़्यादा है, तो इसलिए खाली रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करो, इसलिए मैं उबर ऑन रखता हूँ हमेशा और ओला भी ऑन रखता हूँ। जो भी मुझे राइड दे देता है मैं उसकी राइड ले लेता हूँ। तो और रैपिडो की तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा, रैपिडो से तो भाई मुझे नफरत हो गई, मैं नहीं करता उसको। तो ये भी है मेरी आज की अर्निंग है, यानी कि आज भाई मैंने वही 6-6.5 घंटे काम किया, 6-6.5 घंटे मैंने काम करके भाई जो है ये कमाई करी है। मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ कि मैंने कितने घंटे चलाई है मोटरसाइकिल, ये रहा 6 घंटे 40 मिनट।
6 घंटे 40 मिनट नौ गिन रहा हूँ मैं। नो ट्रिप है, 2 कल वाली ट्रिप थी। तो भाई कहने का मतलब यह है कि मुझे उम्मीद है कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।